नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको RSCIT का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है 30 जनवरी को, उसके लिए तैयारी कैसे करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप अपना नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और इसके अंदर 35 सवाल मैंने दिए हैं, उन 35 सवाल में से आपके कितने राइट सवाल होते हैं देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा सवाल है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। इसमें पहला है ए वॉन न्यूमैन, बी है हमारा जे एस किल्बी, सी है चार्ल्स बेबेज, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। आपके आंसर है, पहला है एटरिस, दूसरा एनियक, तीसरा है आपका टेंडी, या चौथा है नोवेला। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका सही आंसर है इसके अंदर एनियक। तीसरा सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आपका पहला आंसर है 1949, बी है 1951, सी है 1946, या डी है 1947। इसका सही आंसर है 1946। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे चौथा क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। तो इसका पहला है 1977, बी है 2000, सी है 1955, या डी है 1960। तो इसका सही आंसर है 1960 के अंदर। अगला हमारा सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। आपके आंसर है, ए है गणना करने वाला, बी है संगणक, सी है हिसाब लगाने वाला, या डी है परिगणक। इसका सही आंसर है संगणक। हमारा अगला सवाल है 6 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ए पे है 5 दिसंबर, बी पर है 14 दिसंबर, सी है 22 दिसंबर, या डी है 2 दिसंबर। इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। अगला हमारा सवाल है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए है राइट आंसर। अगला हमारा सवाल है 8 नंबर पे, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपके आंसर है, ए गूगल, बी याहू, सी बाइडू, या डी वॉलफ्रेम अल्फा। इसका सही आंसर है वॉलफ्रेम अल्फा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। ए है माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, या डी इनमें से सभी। बताइए जल्दी आंसर। तो इसका सही आंसर है इनमें सभी, यानी ये सभी इनपुट इकाई है, माउस कीबोर्ड स्कैनर। अगला हमारा सवाल है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। पहला है ए 1024 बाइट, बी है 1024
24 मेगाबाइट या सी है 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1024 बाइट। अगला सवाल है हमारा, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं। पहला है ए 1024 KB, बी है 1024 MB, सी है 1024 GB या डी है 1024 TB। तो इसका सही आंसर है 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। अगला सवाल है हमारा, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं। ए है 1024 KB, बी है 1024 MB, सी है 1024 GB या डी है 1024 TB। इसका सही आंसर है 1024 MB। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है हमारा 13वां नंबर, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनी होती है IC चिप, क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से या सी सिल्वर से या डी सिलिकॉन से। इसका सही आंसर है सिलिकॉन से। अगला हमारा सवाल है 14 नंबर, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। पहला है हायर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स प्रोटोकॉल या सी है हाइब्रिड टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल या डी है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी राइट इसका आंसर है। अगला हमारा 15 नंबर सवाल है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। ए है बेसिक, सी बी है जावा, सी है लोगो या डी है पायलट। इसका सही आंसर है लोगो। अगला हमारा सवाल है 16 नंबर, एक सुवा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। पहला है ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर या सी वर्क स्टेशन या डी है PDA। इसका सही आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। अगला हमारा सवाल है 17 नंबर, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या सी है उच्च स्तर से कोडांतरण तक या डी है कोडांतरण से मशीन तक। इसका सही आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। हमारा अगला सवाल है, मल्टीप्रोसेसिंग होती है, इसका ए है एक प्रोसेसर द्वारा, बी है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी है बिना किसी प्रोसेसर द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला हमारा सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी हैं। ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD रोम या डी कोर मेमोरीज।
इसका सही आंसर है सीडी रोम। अगला हमारा सवाल है 20 नंबर पे, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, सी आउटपुट या डी अर्थमेटिक लॉजिक। इसका सही आंसर है अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक, डी राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर, सीपीयू के एलयू में होते हैं ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस या डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है रजिस्टर। अगला हमारा सवाल है 22 नंबर पे, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम या सी एएलयू या डी कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर है एएलयू। अगला हमारा सवाल है 23 नंबर पे, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम या डी प्रोटेक्टर। इसका सही आंसर है प्रोसेसर। अगला हमारा 24 नंबर पे सवाल है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं ए एलयू कंट्रोल यूनिट और रैम या बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी पे है केस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या डी पे है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू और आई ऑब्लिक ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। अगला हमारा सवाल है 26 नंबर पे, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है या सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला 27वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए है डाटा को प्रोसेस करना, बी है टेक्स्ट को स्कैन करना, सी है इनपुट को स्वीकार करना या डी है डाटा को स्टोर करना। इसका सही आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका बुनियादी कार्य नहीं है। अगला 28वां नंबर सवाल है हमारा, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, बी है अर्थमेटिक, सी है एस्की या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अर्थमेटिक। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर पे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू या डी रैम। इसका सही आंसर है सीपीयू।
अगला हमारा सवाल है 30 नंबर पे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए है प्रोसेसिंग, बी है अंडरस्टैंडिंग, सी है इनपुटिंग या डी है आउटपुटिंग। इसका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अगला हमारा सवाल है 31 नंबर पे, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम या डी सीपीयू। इसका सही आंसर है सीपीयू। 32 नंबर पे अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर या बी माइक्रोचिप या सी मैक्रोचिप या डी सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है माइक्रोचिप। 33 नंबर पे अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट या डी इनपुट। इसका सही आंसर है आउटपुट। अगला 34 नंबर सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा या डी पेरिफेरल्स द्वारा। इसका आंसर है सीपीयू द्वारा। अगला हमारा सवाल है, लास्ट सवाल, प्रोसेस डाटा को कहते हैं? ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट या डी सभी। इसका सही आंसर है प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में टोटल 35 सवाल मैंने बताए, 35 क्वेश्चन जो बताए हैं, अगर आप देख लीजिए कि आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चन को वापस से दोबारा इस वीडियो के अंदर वापस से ज़रूर देखिए, और समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए किसी की भी जानकारी के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।